तेजस्वी यादव हैं और बाएं हाथ पे मैं हूं, यानी कहने का मतलब है कि पहले इनको तेजस्वी यादव से उम्मीद है। और इनको मैं कहा नहीं हूं कि टैटू बनवा लीजिए। आज 5-6 दिन से ये पटना में हैं, 8 रोज से पटना में हैं। सीबीआई जांच करा लीजिएगा लोग, आप लोग 8 रोज से पटना में हैं। अब इनका मदद मैं कैसे करूं आप ही लोग बताइए। ये एसपी आवास से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवा के लाए हैं, कहीं कल इनके ऊपर एक दो एफआईआर हुआ होगा पुराना, तब क्या करेंगे अब। ये इंडियन सिटीजन है भी कि नहीं है, इनके पास पासपोर्ट नहीं है, अब मैं क्या करूं। इनके पास मोबाइल तक नहीं है, पूछिए इनसे, इनकी माँ का कसम खिला के पूछिए कि इनके पास मोबाइल है, नहीं है। टैटू वाले के दुकान पे ये थे, किधर है टैटू वाले, आइए इधर आइए, ये लोग टैटू बनाए हैं इनका और उनके दुकान पे, और ये चौक चौराहा पे फुटपाथ पे सोए हैं पिछले 7-8 दिन से। आप ही लोगों ने टैटू बनाया ना, और इनके पास मोबाइल तक नहीं है। गलती से इनको मोबाइल खरीद के दे दूंगा तो बवाल, कि कैसे मोबाइल खरीद के दे दिया, इनके पास 4 बीघा जमीन है, सही है कि नहीं, बवाल हो जाएगा कि नहीं। सही बात। बिहार में सबसे बड़ा लफड़ा जो है जमीनी विवाद का है, और उस लफड़े को सलटाने का काम जो है सरकार का है। और जितने भी पत्रकार भाई लोग हैं, या मैं हूं या जो भी है, इनमें से सब लोगों का परिवार जमीनी विवाद में उलझा होगा। और ये एक ऐसा बिहार का विवाद है जो बिहार को आजाद होने ही नहीं दे रहा है। 17 कट्ठा जमीन का विवाद है इनका। शिवहर प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर ये गलत है तो लटका दीजिए शिवहर के चौराहे पे इनको फांसी पे, सही है तो इनका जमीन दिलवा दीजिए। विनती है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं। मैं पत्रकार हूं, टाइट पत्रकार हूं, कुछ लोग मुझे जानते भी हैं। मेरी अपनी नानी, इकलौती नानी, सगी नानी डीएनए मैच करा सकते हैं, जिसको जांच कराना होगा जा सकते हैं। उनको कैंसर हुआ है और मैं उनको एडमिट नहीं करा पा रहा हूं एम्स में और आईजीआईएमएस में। आईजीआईएमएस से आज मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। सीसीटीवी आप चेक करा सकते हैं, पूरा आईजीआईएमएस चक्कर लगाया, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। जो मनीष कश्यप कम से कम 100 आदमी का एडमिशन जो है आईजीआईएमएस में गरीब लोगों का कराया है, वो आज अपनी नानी का इलाज नहीं करा पा रहा है, एम्स में नहीं करा पा रहा हूं। और सिर्फ मेरे साथ समस्या नहीं है, ये सबके साथ, पूरे बिहार के लोगों के साथ समस्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, इसमें एक विपिन सर हैं गोल इंस्टीट्यूट के, अगर मैं दिखाऊंगा, इन्होंने मुझे कम से कम 50 बार फोन किया विपिन सर ने, लगा कि हमने कुछ अच्छा किया है, कोई तो साथ में खड़ा है। इन्होंने बोला मुझसे कि मनीष जी, कल आपकी नानी जब आईजीआईएमएस में आएंगी तो मैं भी आऊंगा। ये देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टैटू बनवा ला, मनीषवा से मिल ला। अरे तो इनको मुझसे मिलने की क्या जरूरत है, आप भी कुछ अच्छा कीजिए कि ताकि आपका टैटू बनवा के लोग आपसे मिले, क्या दिक्कत है। मेरे से बिहार को कितना परसेंट नुकसान है पहले ये बता दीजिए। नथिंग एल्स। अगर नहीं है तो मैं जो कर रहा हूं करने दीजिए। यहाँ पे देखिए, बड़ा न्यूज चैनल नहीं है कोई, है सब अपना भाई है, सब किसी का 10,000 फॉलोअर है, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, सही है कि नहीं है। सही है, इतना ही है, सब अपना भाई है लोग। और यही लोग मुझे हीरो बनाया है, और इन्हीं लोगों के वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ, लिफाफा में पैसा नहीं दूंगा एक भी आदमी को। ये चीज है, आज इनका मदद किया जाना चाहिए। ई टैटू छुपा लीजिए, ई भी छुपा लीजिए। आज के समय में स्थानीय विधायक सांसद का टैटू लोग क्यों नहीं बनवा रहे हैं, क्यों नहीं बनवा रहे हैं बताइए। पीछे एक फोटो है, ध्यान से देखिएगा, सोनू सूद मसीहा बन गए, भगवान कहता है लोग इनको, हम नहीं कहते हैं, सब लोग कहता है कि भगवान है। अरे इनका खून, इनका हाथवा काट के देखिएगा, रंगवा लाले है आपका और हमारा, रंग जैसा खून का है ना वैसा ही है, तो ये भगवान बन गए तो हम हेमान काहे बन रहे हैं, काहे बन रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे हैं सोनू सूद से, क्यों नहीं सीख रहे हैं हम लोग पटना के खान सर से। ऐसे अनेकों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे हम लोग, क्यों टांग खींचने के पीछे लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा काबिलियत जो है बिहार में पैदा होता है, और सबसे ज्यादा परेशान जो है बिहार के लोग हैं।
आज लोग कहता है कि मनीष कश्यप फलाना है, ढिकाना है, ये हुआ है। अरे 10,000 लोग पत्रकार बन गए हैं मेरे वजह से, और 10,000 लोग कम से कम 20-25,000 रुपया कम से कम महीना कमाते हैं, बेरोजगार तो नहीं है। जिनको बोलने नहीं आता वो भी बढ़िया पत्रकारिता कर रहे हैं, बोलने नहीं आता तब मुंह में माइक ठूस के जो है हीरोबाजी तो करिए दे रहा है सिस्टम से कि क्या भ्रष्टाचार कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। आज जो है बिहार के सारे नेता जो है ना ये डिजिटल मीडिया के पत्रकार से परेशान हैं, सारे के सारे नेता बैन की मांग कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पे बैन होना चाहिए, बैन की मांग कर रहे हैं। और आज बिहार में अगर 1% करप्शन कम हुआ है ना तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है डिजिटल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। ये दो मीडिया का मैं नाम रखूंगा, डिजिटल और प्रिंट का। प्रिंट भी दिखाता है और बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से खबर दिखाता है, आप सभी को पता है, कभी पेपर पढ़ के देखिएगा। लोग कहते हैं कि पेपर जो है पहले छपने के बाद बिकता था और बिकने के बाद छप रहा है, आज हमने पेपर पढ़ना छोड़ दिया तो बिकना तो पड़ेगा उसे, अब बिक के छपना पड़ेगा। आज पढ़िए आप लोग दैनिक भास्कर, हर दिन जो है उसमें 4-5 भ्रष्टाचार की कहानी जो है उजागर होती है, और पढ़ना चाहिए। जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं ना उनको जो है अगर वो पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि अगर आप अच्छे पत्रकार नहीं बनिएगा। उनको पढ़ना चाहिए, आधा एक घंटा पेपर पढ़ना चाहिए, और हम सबके यहाँ पेपर आना चाहिए। ये टैटू आपने बनाया है सही है कि नहीं? अब इनको मैं मोबाइल दूँ कि नहीं दूँ? दे दूंगा तो आप लोग बोलिएगा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है मनीष कश्यप के पास, मैं कैसे जवाब दूंगा? 10-12 लाख रुपया कमा लेता हूँ ईमानदारी से कहूँ तो, ठीक है, उसमें सैलरी वोलरी सब स्टाफ का दे दा के जो है ना जो प्रॉफिट होता है उसमें से 2-2.5 लाख रुपया का मदद हर महीना करता हूँ, कुछ दिखाता हूँ कुछ नहीं दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँ आप बताइए, इनसे आप अपना मम्मी कसम खा के, माँ का कसम खा के बोलिए, पिता का। अब लोग बोलेंगे कि कसमों खिलाता है मनीष कश्यप हुआ, करे तो करे, क्या करे हम, क्या करे, आप ही बताइए। मैं राजस्थान में गया था तो एक भाई ने कहा बिहार छोड़ के भाग गया मनीष कश्यप, जब मैं बिहार में था तो राजस्थान में घटना घटा था, तब वो बोला कि राजस्थान में आने का हिम्मत नहीं हो रहा मनीष कश्यप का। जब मैं झारखंड में था तो बिहार के खबर को क्यों नहीं दिखा रहे हो, और जब मैं बिहार में हूँ तो बोलता है कि लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जा रहे हो, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी, सही है कि नहीं है? सही बात। और आज मुझसे कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में जो लड़कियों के साथ जो गलत हुआ वहां पे क्यों नहीं जा रहे। यार मैं इकलौता हूँ, अकेले हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा कि आपके कहने से चलूंगा? और अगर 10 पोस्ट कोई किया बुलाया अपने एरिया में ब्लॉक में जिला में नहीं गया तो 11वां पोस्ट में मनीष कश्यप के माइये बाबू से गरियाना शुरू करता है। अच्छा ये बताइए भैया कि नेता लोग को नहीं खोजा जा रहा है, कहीं भी कांड हो रहा है तो मनीष कश्यप को क्यों खोजा जा रहा? कुछ नेता हैं अच्छे हैं उन्हें खोजा जाता है, कुछ अच्छे नेता हैं। पप्पू यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद है हमेशा, हर वीडियो में उनका इंटरव्यू लेते दौरान कहा हूँ कि वैचारिक मतभेद है आपसे मेरा, क्योंकि उनका विचारधारा अलग हो सकता है मेरा अलग हो सकता है, अच्छा काम करते हैं उन्हें खोजा जाता है, ये बात सत्य है। एको को पार्टी का एको को नहीं जीते हैं पप्पू यादव, एको सीट जीते हैं पप्पू यादव, मैं उनके पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। कल उनके पार्टी का एको नेता हमको गरियाया है, जाके फेसबुक पर देखिए लोग, देखिए लोग एको युवा नेता गरियाया हमको, जाके देख लीजिए लोग कल है। अब पप्पू यादव जी के पार्टी का ऑफिशियली पेज से वो वीडियो शेयर हुआ है, यानी पप्पू यादव जी मेरे से खफा है, नाराज है, ये बात सत्य है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, नाराज रहे, वैचारिक मतभेद रहेगा, हम खुल के बोलेंगे ऑन कैमरा कि वैचारिक मतभेद है आपसे, रहेगा, काम करते हैं अच्छा। बाढ़ में जब 140 केजी वजन वाला आदमी जो है जेसीबी में लटक के जो है लोगों के बीच में पहुंच जाता है तो युवा नेता जिम करने वाले नेता क्यों नहीं पहुंचते हैं, यह चीज है भैया। बेगूसराय में आपको बदनाम किया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? और बेगूसराय का एक कांड हुआ है जिसमें जो है कुछ लोग साजिश करके अपराधी का फोटो के साथ एडिट करके दानापुर का एक व्यक्ति है उनका फोटो और मेरा फोटो वायरल कर रहे हैं, और दानापुर के आदमी को बता रहे हैं कि मुख्य अपराधी यही है और मनीष कश्यप का साथ इसका सांठगांठ है। यानी कहने का मतलब है कि दुकान आपको चलाना है तो मनीष कश्यप का विरोध करना है, ऐसा नहीं है यार, समर्थन भी करके जो है आप अच्छा काम कर सकते हैं, ये चीज़ है। और इनका क्या करें हम बताइए, आप लोग जो बताइएगा वो करेंगे, आप लोग बोलिएगा शिवहर जाने के लिए शिवहर जाएंगे, आप लोग बोलिएगा इनके लिए मोबाइल खरीद के देने के लिए इनके लिए मोबाइल खरीदेंगे। और विनती है तेजस्वी यादव जी आपसे भी विनती है,
मुझे पता है आप रात के 12 बजे जब पीएमसीएच में छापा मार सकते हैं, तो मुझे पता है ये टैटू वाला आपके पास तक पहुंच सकता है। मनीष कश्यप फोन करेंगे तो इनका काम होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है। तेजस्वी यादव जी आप फोन करेंगे तो 100% काम होगा, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। तो इनको तेजस्वी यादव जी तक पहुंचाने का काम जो है ना, पीछे जो हमारे भाई जो है 10-20 लोग हैं, अब माइक मत गिन लीजिए अगर बोलो कि 8 को माइकवा है, 20 आदमी का कैसे बता दिए ये चीज़। हाँ 20 लोग हैं, पीछे घुमा के आप लोग थोड़ा सा दिखा दीजिए, एक हाँ दिखा दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, तो 10-20 लोग हैं भाई लोग, आप लोग इनको तेजस्वी यादव तक पहुँचा सकते हैं, मनीष कश्यप नहीं पहुँचा सकते, नहीं पहुँचा सकते। अच्छा भैया, अगला सवाल ये है भैया, इन सभी लोगों से पूछ लीजिए कि क्या उनका मदद करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसी में से हो सकता है कोई जाके विरोध भी कर दे। हां ये भी सही बात, उससे पहले उससे क्योंकि यही माइक वाले ही कोई ना कोई विरोध कर देते हैं, तो हो सकता है कि विरोध कर दे, तो इन लोगों से भी एक बार पूछ लीजिए कि मदद। अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है मेरे नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मनीष कश्यप का खुलासा करेंगे। यार तुम लोग ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिए हमको, ऐसे ही यार मेरे नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पत्रकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है। नेता के खिलाफ हुआ है आज तक? आप उठा के गूगल में दिखाइए किसी पत्रकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो, दिखाइए, दिखा दीजिए आप लोग भैया। और अपने पटना में हो रहा है, मनीष कश्यप का खोलेंगे राज, करेंगे पर्दाफाश, करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भैया जब सबसे बड़ा सवाल उनसे ये है कि आप किस उम्मीद से इनका टैटू बनवाए, पहले ये तो बता दे। मदद वाला सवाल बता, किस उम्मीद से बनवाना? इनको सिखा पढ़ा के हम लाए हैं, नहीं नहीं नहीं, किस उम्मीद से इनको सिखा पढ़ा के लाए हैं हम? कल बोल देगा सब कि मनीष कश्यप का जो है पहले बड़ी तेज आदमी है, उड़ीसा से मिलने आ जाता है उसके पास, उड़ीसा से आया ना अभी 2 दिन पहले हमारे पास मिलने, जो 7 दिन तक सोए हुए थे स्टेशन पे, ये 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं मेरा, ये चीज है। और मुझे पता है कि 2 गो टैटू बनाया सब बेचारा सब, उस सब को भी आप लोगों ने दिखाया, ये तीसरा है, अब लाइन लग जाएगा, मुझे पता है, मुझे पता है। और उसमें भी विरोध मुझे झेलना पड़ेगा, कहीं किसी ने टैटू बनवाया उसको कैंसर हो गया तब, सही है कि नहीं? टैटू गर्ल, कांटा लगा गर्ल जो थी वो टैटू के वजह से मर गई, कांटा लगा गर्ल जो है ऐसे 15-20 साल पहले एक गाना वायरल हुआ था, कांटा लगा शुद्ध गाना था, शुद्ध गाना को हम लोग बहुत जल्दी वायरल करते हैं, ठीक है, हम भी सुने थे, उस अपराधी उसमें हम भी हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे। तो वो उसको, उसने टैटू बनवाया था यहाँ पे और टैटू के वजह से उसको कैंसर हुआ और वो मर गई, आप उठा के देख ली। तो हम विनती करना चाहते हैं कि आप लोग किसी का भी टैटू मत बनवाइए, प्लीज विनती है, हमसे जितना होगा हम पहुँचने का प्रयास करेंगे, हम आप लोगों का मदद करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को अगर ज़्यादा शौक है तो अपने हाथ पे जो है माता पिता का टैटू बनवाइए, हम विनती करना चाहते हैं, मेरा टैटू मत बनवाइए। जब जब मनीष कश्यप जी है मदद करते हैं किसी का, तो कोई ना कोई बोलता है कि इसमें उनका जरूर फायदा है। अब बोलिए रहा है सब कि कहीं से पैसा लेके आया है, पैसा लेके आया दुबई का शेख जो है मेरे नाम पे 4 गो फ्लैट जो है बुर्ज खलीफा में कर दिए हैं, समझे ना? आप जाइए जांच कीजिए, 142वें मंजिल पे जो है 1732 स्क्वायर फीट का मेरा फ्लैट है, जाइए जांच कीजिए, जांच नहीं होगा तब ना आप जाइए दुबई। लेकिन संजोग से अभी मेरा पासपोर्ट नहीं बना है, वो बोले हैं कि बनवा देंगे हम। 4 गो फ्लैट दिए हैं 142वें मंजिल पे 1732 स्क्वायर फीट का, समझे ना? जाके जांच कीजिए भैया। दुबई जाने के लिए बैलगाड़ी बनना पड़ेगा ना? हाँ बनिए, चलिए ये चीजें। अरे विरोध किया जाता है, ऐसा नहीं है नहीं विरोध किया जाता, विरोध करना चाहिए, लेकिन अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसका विरोध ना करके कहीं दूसरे जगह कुछ गलत हो रहा है उसका कीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पब्लिसिटी ज्यादा करने लगे। अरे इनका ऐसे भी, अरे सौभाग्य है मेरा कि मेरा पब्लिसिटी हो जाए, भगवान करे आपका भी हो जाए, भगवान करे आपका भी हो जाए। आप जाके देखिए यूट्यूब पे भोजपुरी न्यूज में ऐसे हजारों न्यूज चैनल होंगे जिसमें मैं भोजपुरी के बारे में कुछ बोला नहीं, पवन सिंह को मनीष कश्यप ने रेल दिया, ऐसा थंबनेल लगाया, मनीष कश्यप को पवन सिंह ने रेल दिया। वीडियो सुनते हैं तो ना हम है ना पवन सिंह है उसमें। खेसारी लाल यादव के बारे में देखिए मनीष कश्यप ने क्या कहा, वो हालांकि 2 दिन पहले हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा है, मैच फिक्स करके हम लोगों ने कहा, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिएगा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 सितंबर को एक वीडियो आया था उनका, बहुत अच्छा वीडियो आया था, तो उसमें लगा देता है सब, ये देखिए मनीष कश्यप ने क्या कहा, ये चीज़ है। और जबकि उस वीडियो में मैं रहता ही नहीं, वो वीडियो का व्यू देखता हूँ 17 लाख,
18 लाख 20 लाख मेरा भाई है, पिछले जन्म का वो मेरा भाई है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बहुत सारे दोस्त जो है यूपी के भी है जो लगातार विरोध कर रहे, करो भाई विरोध, लेकिन याद रखना अश्लील विरोध नहीं होना चाहिए। कमर के नीचे वार करोगे तो दिक्कत है, लॉजिकली विरोध करो, हमें कोई मतलब नहीं। पैसा का कमी था इसलिए आपके नाम से नहीं भगवान देखिए चर्चा ज्यादा नहीं होना। हाथों के लकीरों में जिसको जिस हिसाब से भगवान ने बना दिया, मैं भगवान पे भरोसा करने वाला आदमी हूँ। मैं आज पहली बार ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पहली बार, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के बीच में बोला था। क्या मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, मेरा भाई अगर कोई नाराज है मेरे खिलाफ कितना भी बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा, ये चीज है। मैं आज से एक साल पहले, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आज से एक साल पहले मैं सोच रहा था कि मेरे खाते में अगर YouTube Facebook से 50,000 रुपया आ जाएगा, एक साल से सवा साल पहले 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं बढ़िया से काम कर पाऊंगा। और आज भगवान ने 50,000 के जगह पे 10 लाख से ऊपर पैसा भेजते हैं मेरे खाते में, तो भगवान के वजह से, मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे बहुत भरोसा है। अरे 1 करोड़ रुपया कौन बता दिया ससुरा? 1 करोड़ बता दिया, आप बताइए। अब वो आए ना मेरे, उसमें मनहानी का केस करना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं करें। हम तो सुने 70 लाख। आप बताइए ना, आप लोग अपना अपना चैनल का खोज के देखिए, उस जो साइटवा है ना, उस 70 गुना ज्यादा बताता है। आप लोग खोल के, आप लोग अपना भी खोल के चेक कर सकते हैं, देखिएगा। आप लोग उसको चीज को दिखाइए, वो बता दिया भाई, खुश रहो भाई, तुम्हारा 8 मिलियन गया। 8 मिलियन का मतलब हुआ कि 5,000 × 8, 8×5 = 40,000 रुपया तुम्हारे खाते में चल गया। वो 40 दे दोगे तो मेरा 1 करोड़ हो जाएगा। मेरे नाम पे वीडियो बनाए ना, 1 करोड़ तक पहुंचा दिया, वो 40,000 कम है मेरा, 8-9 मिलियन गया है वो वीडियो का व्यू, देख सकते हैं। लेकिन हमें आपसे भी कोई सिखवा गिला नहीं, आप भी हमको गरीब मदद कर रहे हैं आप इनको जिस प्रकार से कही, मतलब एक ही आदमी जो समस्या उसी को, एक ही आदमी को क्यों मदद किया जाए ना? आपसे उम्मीद लगा क्या है ना, मतलब एक ही आदमी का मदद क्यों किया जाए, सवाल तो ये बनता है ना। ये तो बात है। बनता है कि नहीं बनता है? जिसने टैटू बनवा लिया उसका मदद किया जाए, और जिसने नहीं बनवाया नहीं किया जाए, क्या किया जाए? आप लोग सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि जितने भी भाई लोग हैं सभी पत्रकार हैं और सभी लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग मैं सरफराज का भी मदद करता हूँ। और आज IGIMS में मैं जब खड़ा था तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूं आप लोगों को, IGIMS में जब खड़ा था तो मेरे पास कोई नहीं आया, एक मुस्लिम भाई आया जो मेरा मदद कर रहा था IGIMS में। ये फोटो देख लीजिए लो, ये देख लीजिए, ये भाई आया, इससे आज से पहले मैं नहीं मिला। जूम करके दिखाइएगा इससे, अब इसको इसको खोल देते हैं, ये फोल्ड फोन है, किसी को बवासीर हो जाए तो हम नहीं चाहते, बड़ी महंगा फोन है। अब ये देख के लोग समझे, जो लोग कहते हैं मनीष कश्यप पे आरोप लगाते हैं कि अच्छा भैया देखिए, जंदाहा में रेप हुआ था, रेपिस्ट हिंदू थे, मैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाया। झारखंड में रेप हुआ था, रेपिस्ट मुस्लिम थे, उनके खिलाफ भी आवाज उठाया। क्या दिक्कत है? बलात्कारी का कोई धर्म होता है? और उसमें जो है कुछ लोग जो है आज जो है बेगूसराय में जो इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रहा उसके लिए भी आवाज उठाया, तो ये चीज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है, हाँ, कि अब आप जहाँ मदद करके आते हैं खुलासा हो जा रहा है, क्या खुलासा के डर से मदद करना छोड़ रहे हैं? नहीं, तो अभी पूछ रहे हैं। मर्द के रूप में मेरे माँ पिता ने मुझे मर्द पैदा किया, और हम यहाँ चेक कर सकते हैं, हमारा लिंक चेक करा सकते हैं, हम मेल है। क्या खुलासा कीजिएगा? खुलासा क्या कि गरीब नहीं है, इसका केस नहीं है आगे से? अरे हुआ ना, अरे क्या पता, सुनिए ना, क्या पता इनके मामा जी IAS अधिकारी हो सकता है, क्या पता इनके मौसा जी जो है थाना प्रभारी हो सकता है कि नहीं? मेरे मामा जी शराब केस में फंस गए, उस पे भी यार कोई दुख है? हम करेंगे खुलासा, मनीष कश्यप के मामा गए जेल, वो तो चमकने के लिए सब कर रहा है। इनका मदद होना चाहिए कि नहीं भैया? इनका तो मदद होना, इनको से पूछ लीजिए एक बार, मेरा ये रिक्वेस्ट है। आप लोग बताइए कि इनका मदद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। हम लोग सबको साथ में, आपको इनका मदद होना चाहिए तो इनका मदद किया जाए, आपके साथ में हम लोग हैं, इनका मदद होना चाहिए भैया। हाँ तो बिल्कुल इनका मदद किया जाए, और सभी लोग जो है हम इनको पैसा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको मन करेगा तो हम दे देंगे, हम अपने मर्जी से, ये चीज है। और विनती है आप सभी लोगों से कि बस अगर भगवान पे भरोसा है तो दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान है,
आप मेरा ना टांग खींच सकते हैं, जिस दिन भगवान आपका खींचेंगे उस दिन कहीं के नहीं रहेंगे। भैया ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी था कि इसी में से कोई एक आदमी हो सकता है कि खुलासा करने लगे। क्या करने दीजिए ना, खुलासा करने से क्या होता है भैया? अरे खुलासा खुलासा करेगा लोग तभी ना, खुलासा करेगा लोग तभी ना। अब हो सकता है कि मनीष जी उनका घर तो यस नहीं देख रहे हैं ना। मनीष जी तू ये देख, पैसे आए खुलासा रिक्शा वाला के नाम से आप लोग कर रहे हैं खुलासा। क्या खुलासा नहीं है, उससे पहले इनका दो तीन खुलासा और नहीं हुआ? क्या क्या खुलासा? अरे बहुत सारा खुलासा हुआ। हमारे पास 10 लाख रुपया है, हम आपको दे देंगे या करोड़पति को दे देंगे, वो मेरा जिम्मेवारी है। मेरा पैसा मैं इनकम टैक्स भर के जो है गढ़ा में डाल दूं पैसा, मेरी मर्जी। ये चीज है, एक समस्तीपुर का सिंगर आया उसको हम लोग जो है कल परसों बनाए, ये मांग भी दिए वो भी दिए, क्या कह रहे हैं हमारा चेक कर लीजिए। और एक चीज और, आज से एक साल पहले जो हम माफी चाहते हैं, अगर कोई पत्रकार मदद करता होगा फाइनेंशियल रूप से तो हम माफी चाह लेते हैं पहले, लेकिन आज से एक साल पहले डिजिटल मीडिया के इतने पत्रकार बिहार में नहीं थे, 1% नहीं थे। आप लोग मानते हैं कि नहीं? आज डिजिटल मीडिया के इतने पत्रकार हैं, योगदान किसका सबसे बड़ा है वो मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो बोल दूंगा तो बोलेगा लोग कि मनीष कश्यप ने देखिए क्या कहा। ये चीज है तो आज आज कम से कम मोदी जी जिन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, 10 लोगों को रोजगार मिला ना हम लोगों के वजह से, मिला ना, बात खत्म। और इनका हम मदद करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग इनकी बातों को तेजस्वी यादव तक पहुंचाएंगे, उम्मीद है। 5 बजे लगता है, उम्मीद है, उम्मीद। जिनको बोलने नहीं आता वो पुलिस को डर के रिलाई करने लगता है। क्या क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, इधर माइक है। हाँ बोलिए 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 बोले तेजस्वी के यहाँ ये गए थे। हाँ बैठ के बोलिए, दो दिन बोलिए 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 तेजस्वी के यहाँ ये गए थे, दो दिन सो करके बारिश में भीग के आए, प्रशासन इनको मिलने नहीं दिया, फिर ये हमको फोन किया, फिर ये मेरे पास से आया। अब उन लोगों को पता नहीं है, ये आदमी अगर तेजस्वी यादव जी से मिल लिया और तेजस्वी यादव जी इनका काम कर दिए तो तेजस्वी यादव जी का 2% वोट बढ़ जाएगा, लेकिन जो गेट पे खड़ा आदमी है उसको पता नहीं है कि ये कितना मैं बारिश में भीग के सोया था 2 दिन वहाँ पे। इस आदमी का मदद होने के वजह से जो है ना जाने कितने लोगों का मदद हो जाएगा, सही है कि नहीं है? और इनका ये डॉक्यूमेंट्स है, इन्होंने SP आवास से चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिया है, फिर भी हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। इनका डॉक्यूमेंट्स है, 17 कट्ठा जमीन जो है, कौन चेक लिया है आपका? रामचंद्र है। वो आपका कौन लगता है? बाबा लगता है। बाबा लगता है। जो अपने भाई का नहीं होता है, एक एक धूर के लिए हम लोग बिहार में भाई का कत्ल कर देते हैं, वही जाति के नाम पे हर 5 साल पे वोट दे देते हैं। नौबतपुर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, सही है कि नहीं? नौबतपुर तो इनका इनका सारा का आपके यहाँ नहीं, जैसे कि रात क्या हुआ था रात में? हाँ इनके यहाँ कल नहीं, ये बताएंगे, सही सही बताइए बताइए आप। मैं जोर से बोलेगा। हाँ कल मैं घर गया था ना, कल घर गया, कपड़ा वपड़ा लेने गया था और कुछ पैसा भी खर्चा वर्चा के लिए गए थे ना, तो वहाँ चले आए मुखिया मेरे घर जाकर रात बजे। उसके बाद मुखिया दो आदमी के, दो लड़का मुखिया के भगिना, एक उसका लड़का सामान लेके साथ मेरा जिस घर में हम सोते हैं, मेरा पत्नी वाला घर में घुस गया, बोला तेरा घर वाला कहाँ है? मेरा पत्नी वाला था, मैं मेरा घर वाला नहीं है, पटना चला गया। मुखिया बोला मैं रिंग करो 2 लाख रुपया देते हैं, वह उसको किस रफा दफा करेगा, इस आगे बात को आगे नहीं फैलाएगा। हमसे हमको इंदिरावास के 30,000 घुस मांगता था, इंदिरावास का डीलर 2,000 रुपया मांगता था, डीलर 2,000 रुपया। और हाँ एक और कमाल का चीज़ देखिए, इनकी पत्नी विकलांग है और इनका विकलांग सर्टिफिकेट बनाया है लोग 30%, इनका जो है 50% बन सकता था, 2,000 रुपया घूस मांगा लोग, नहीं घूस दिया तो 30% डाल दिया, 40 पे पेंशन मिल जाता है, जरा सोचिए। और एक आंख से क्या हुआ है? एक से पूरा नहीं लगता है, कुछ नहीं, एक आंख से पूरा नहीं लगता है। तो बिहार में जितने भी एक आंख से नहीं, जिनको जिनको नहीं दिखता है एक आंख से, उन सबका 30% विकलांगता होना चाहिए, इनका 30% और 2,000 रुपया दे दिया जाए तो 60%, ऐसा क्यों? और कौन से अस्पताल में हुआ था? शिवहर सदर अस्पताल में। जरा सोचिए, राक्षस बैठे हैं अस्पतालों में। विनती है आप लोगों से कि ऐसा मत कीजिए और इनका मदद करने का प्रयास कीजिए। हम लोग चलेंगे सभी लोग शिवहर और इनकी समस्याओं को भी दिखाएंगे, सभी लोगों में से जितने लोग जा सकते हैं जाएंगे और इनकी समस्याओं को दिखाएंगे और मदद करेंगे। आप लोगों से विनती है कि इनका आवाज जो है तेजस्वी यादव जी तक पहुंचा दे, देख सकते हैं इन्होंने तेजस्वी यादव जी का टैटू बनवाया है, देख सकते हैं, उम्मीद है इनको तेजस्वी यादव जी से, उम्मीद है, ये चीज है तो देख सकते हैं आप लोग। मुखिया धमकी भी दे रहा है, कह रहा है कि
आगे बढ़ा है तुमको 2 महीने में अंदर में गोली मार देंगे। मुखिया जी धमकी दे रहे हैं। हाँ, और रामचंद्र भी धमकी दे रहा है। तो वृंदावन तो शिवहर के SP साहब से मैं विनती करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का अब रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है, और मुझे पता है कि अगर आप तक ये बात पहुंच जाएगा तो इस आदमी को इंसाफ मिल जाएगा, मुझे पता है, चूंकि आप बहुत अच्छे आदमी, ये भी बात मुझे पता है। इस जमीन पे मेरा केवाला भी वो हुआ हुआ है, केवाला दाखिल खर्च हमको हो गया हुआ है। मेरा बाबा पापा जी को, नाना को, मामा को सबको डकैती केस में डाल कर रामचंद्र आए कुर्सी जब दिखा दिया, मेरे घर को प्रशासन पूरा सामान लूट के ले गया, पूरा सब बाइक छिया कर दिया, सब सामान को ले गया। मैं तो उसीलिए मैं SP के पास नहीं गया। अब बताइए डकैती केस है इन पे? मेरे पिताजी पर डकैती केस करके बताइए कर दिया। तो इनके यहाँ जाएंगे लोग, हम लोग जाँच करेंगे, और इनका मदद करने वाला होगा तो हम लोग पूरा मदद करेंगे। जय हिंद। चलिए, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।